नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, भोपाल से उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। उपचुनाव क्षेत्रों में मंडल सम्मेलन को बीजेपी के नेता संबोधित करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आगर हाट पिपलिया सुवासरा मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा महगांव गोहद भांडेर में सभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पूर्व में मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते अनूपपुर में मंडल सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। तो अलग अलग जिम्मेदारियां बीजेपी ने अपने नेताओं को सौंपी है। इधर सिंधिया अंबहा महगांव और गोहद में मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता प्रभात झा जौरा और मुरैना में मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रभात झा, सांसद राकेश सिंह, ये तमाम बड़े नेता जिनके कंधों पर जिम्मेदारी उपचुनाव की सौंपी गई है और ये सभी मिलकर बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, इसके साथ ही मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नाम कम पड़ जाएंगे लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। ये तमाम बीजेपी के आला नेता जिनके कंधों पर उपचुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई है और ये बताता है कि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कांग्रेस के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और दोनों ही पार्टियों के लिहाज से ये बेहद अहम है, क्योंकि बार बार हम भी अपने दर्शकों तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि ये सत्ता का फाइनल है। सत्ता का फाइनल इस लिहाज से कि ये 28 सीटों पर जीत और हार सरकार के स्थायित्व को तय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। अब मंडल सम्मेलन का जो 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का सिलसिला बीजेपी ने शुरू किया है, उसमें शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले मांडाता, नेपानगर और सावेर विधानसभा क्षेत्र में थे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर हाटपिपलिया और सुवासरा के कयामपुर मंडल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मोहद महगांव गोहद और भांडेर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पूर्व में मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते अनूपपुर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सिंधिया अंबा महगांव और गोहद में तो प्रभात झा जोरा और मुरैना में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उनको संबोधित करेंगे। राकेश सिंह बीजेपी के सांसद है, वो एक दिन पहले ब्यावरा में थे, अब बड़ा मलहरा में मंडल स्तर के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेरा विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कमल पटेल जो है वो सावेर में, राजेंद्र शुक्ल अनूपपुर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही किसान नेता कहे जाने वाले बंसीलाल गुजर आगरमालवा में और खंडवा से विधायक देवेंद्र वर्मा जो है वो नेपानगर में रहेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों पर है, बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी के तमाम नेता जो है वो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करके आपसी समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बीजेपी को जीत मिल सकती है इस बात के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने 25 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को टिकट दिया है, अब चूंकि वो बीजेपी में है, लिहाजा समन्वय और सामंजस्य सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने और इसीलिए इन तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल आशीष जी, तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि जिस तरह से आपने कहा सत्ता का फाइनल है और सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये बड़े नेता अलग अलग जगहों पर जाएंगे, मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इस दौरान कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं?
देखिये मंडल स्तर पर जाकर बीजेपी के तमाम नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ भी घटना हुई थी, बीजेपी इसे बड़े स्तर पर प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ भी सलूक हुआ है, जो कुछ भी घटनाएं हुई है, अपमान हुआ है, ये उसका बदला लेने का वक्त है। हालांकि कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है और कांग्रेस भी किसान कर्ज माफी और 15 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में जा रही है। तो ये तमाम नेता, सबसे खास तो जो बार बार कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं गद्दारी की, तो उस गद्दारी का जवाब खुददारी से देने की कोशिश कर रही है। बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का नारा कांग्रेस ने दिया है, तो बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये सरकार टिकाऊ रही है और टिकाऊ रहेगी। तो ये बीजेपी के तमाम नेता जो हैं मंडल स्तर पर जाकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद इसीलिए कर रहे हैं कि बीजेपी का, चूंकि बीजेपी संगठन में जो चुनाव होता है जब भी कोई भी विधानसभा का या लोकसभा का, तो संगठन चुनाव लड़ता है, तो संगठन का की असली नींव जो है वो कार्यकर्ता है। तो बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं मनमुटाव ना हो, समन्वय स्थापित हो, इसी को लेकर बड़े नेता जब छोटे कार्यकर्ता से बात करते हैं या छोटे कार्यकर्ता के पास पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता भी अपने आप को उत्साहित महसूस करता है। बिल्कुल, और इस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज इन कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और उनसे बातचीत करें। इसीलिए तमाम आला नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सभी मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव होना है, अलग अलग जगहों पर बीजेपी के आला नेता पहुंचेंगे, मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इन्हें उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मैं लौटूंगी आशीष जी, आपके पास बने रहिएगा।